परम श्रद्धया आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीनिवास जोशी जी, जो आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धया श्री जगदीश शर्मा जी ने आमंत्रित कर रखे हैं। मंच पर विराजमान जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं सुदर्शन विशिष्ट जी तथा मुख्य अतिथि के रूप में श्री के आर भारती जी, और जिनकी पुस्तकों का आज लोकार्पण तो पहले ही माननीय महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा किया गया है, परंतु सभी के सामने पुस्तक का इसकी विवेचना की जाए, इस संदर्भ में आप सभी विद्वान यहाँ एकत्रित हुए, जिनमें शक्तिपीठ के जिन्होंने का टंकण किया है, प्रकाशन किया है, वो भी यहाँ विद्यमान है। यहाँ विद्यमान है कंवर दिनेश जी, डॉक्टर कंवर दिनेश जी, और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे मध्य डॉक्टर बलदेव शर्मा जी, जो एक बहुत वरिष्ठ साहित्यकार है और जिनके आज शैल नाम का समाचार पत्र देखने के लिए लोग सभी दिलाहित रहते हैं, कब से वो निकल रहा है, उसमें कौन सा बुलेटिन आ रहा है, आप इस कार्यक्रम में आए हैं। और प्रसन्नता ये भी हो रही है कि आज जिनकी पुस्तकों का, तीन पुस्तकों का यहाँ सभी के समक्ष विवेचन किया जा रहा है, उसमें आज जो हमारे हिमाचल प्रदेश की भाषा एवं संस्कृति विभाग है उसके संयुक्त निदेशक श्री मंजीत जी भी यहाँ उपस्थित हैं, तो शर्मा जी के लिए कितना हर्ष हो रहा होगा कि कभी ये स्वयं वहाँ उस विभाग में निदेश सहायक निदेशक के रूप में रहें और आज उनका पुत्र जो है वहाँ संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, और इनके साथ ही इनके बहुत सारे जितने भी भागिया कर्मचारी हैं वो भी सभी सहायक हैं, सभी लोग उपस्थित हुए। मैं अधिक ना कहते हुए यहाँ पूर्व में रहे जिला भाषा अधिकारी भी यहाँ विराजमान है, भूप रंजन जी विराजमान है, और आत्मा रंजन तो बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति करते हैं, और आप सभी लोग मैं अधिक ना कहता हुआ मैं बधाई देता हूँ अपने लेखक के लिए, अपने श्री जगदीश शर्मा जी के लिए कि इन्होंने, और भी इनकी पुस्तकें बहुत सारी प्रकाशित तो हो चुकी है, पहले भी हुई है जिनके बारे में विवेचन किया गया है, परंतु इन तीन पुस्तकों का जो विवेचन आज किया जा रहा है उसमें शक्तिपीठ के संदर्भ में मुझे यहाँ कहा गया था, तो मैं उसके संदर्भ में बोलना चाहूंगा। वैसे तो देखा जाए जगदीश शर्मा जी का जो व्यक्तित्व है एक महान व्यक्तित्व है, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इनका जो जन्म है 1943 में इनका जन्म हुआ था, और 1943 से लेकर वर्तमान 1923 2023 अब चला हुआ है, तो आप सभी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अच्छी बात है कि मैं कहूँगा जीवेम श्रद्धा सतम बसेम श्रद्धा सतम पसेम श्रद्धा सतम, आप 100-100 साल तक जिए और आपका जो लिखी गया जो इतिहास है और आपके द्वारा लिखी गई जो शक्तियों के बारे में विवेचन है वो लोगों के सामने आए। मैं क्योंकि आप जब विभाग में होते थे तो हम उसमें यहाँ शिमला में हुआ करते थे, आपका एक ऐसा व्यक्तित्व तो भी रहा है कि आपने जो मंच प्रदान किया लोगों के लिए, सामान्य जो साहित्यकार है, जो कथाकार है, जो अन्य किसी विधा में कविता के रूप में लिखते हैं, तो उनको लिए तो आपने मंच दिया ही है, परंतु तो आपका एक ऐसा अच्छा व्यक्तित्व तो रहा है कि आपने नवोदित कवियों को भी यहाँ जोड़ा, महिलाओं को भी कवित्वों की ओर जोड़ा, कहानी की ओर जोड़ा, और साथ आपने जो है ऐसा भी मैंने देखा कि कहीं आप तो इंजीनियरों को भी बुलाते थे, डॉक्टरों को भी बुलाते थे और सभी को आमंत्रित करते थे, उनके हृदय में भी आपने बीजा रोपण किया और आज वो लोग भी साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुझे एक बार याद आ रही है कि आपने एक बार दिल्ली में जब कार्यक्रम हो रहा था तो आपने एकदम से मुझे, मैं उस दिनों नहान था, आपने कहा कि आपने दिल्ली पहुंचना है और आप बड़े तल पल के साथ वहां दिल्ली में गए थे, तो वहां पहाड़ी में कवि सम्मेलन हुआ था, तो वहां भी मतलब हिमाचल की छल को दिखाने के लिए आप सदैव प्रेरित रहे। शक्तिपीठ के संदर्भ में मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, शर्मा जी ने जो
जैसे प्रजापति दक्ष हुए हैं, उनके काल में जब एक महायज्ञ करवाया गया और उस महायज्ञ में जब शंकर भगवान को आमंत्रित नहीं किया गया तो उनकी पुत्र जो वहाँ चली गई और उसने देखा कि जो अन्य जितने और लोग आए थे उनके लिए बैठने के लिए आसन था, उनका जो अवशेष दिया जाता था वो सब कुछ दिया गया था, परंतु उसने अपने पति को इस प्रकार का ना देख कर जो है उसने स्वयं में जो उसने अपनी आहुति दे दी थी। जब शंकर भगवान को पता चला तो उन्होंने एकदम से उसको उठाया, अपने कंधे पर उठाया और चारों दिशाओं में जो भ्रमण करने लगे। तो कहते हैं कि विष्णु भगवान ने जब देखा कि ये भूल चुके हैं और ये बहुत इस तरह से हो गए हैं, तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से जो है वो उसकी जो है लगभग 51 टुकड़े किए। जो 51 टुकड़े किए वो 51 जगह गिरे, जिनको जो है महाशक्ति के नाम से आज जाना जाता है। उसी के संदर्भ में आपने ये जो पुस्तक लिखी है ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो पुस्तक लिखी है आपने, इसमें आपने एक बोलते हैं पूरे सागर को एक गागर में भर दिया है, क्योंकि तीन प्रकार की विशेष शक्तियों का आपने इसमें लिख किया है, वहाँ महा सरस्वती के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में और महासरस्वती के रूप में। और वैसे भी तीन जो शक्तियां हमारे पास ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसी प्रकार से शक्तियों के रूप में ये महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली के रूप में इन तीनों का आपने यहाँ वर्णन किया है। और उसके वर्णन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आपने वहां पर पराशक्ति को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि कहा गया कि शक्तियां जो अवतरित होती है, गीता में भी कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्।